कोरोना मामलों में आई गिरावट के बाद सरकार ने उड़ानों पर कैपेसिटी कैप्स हटाने का फैसला किया है। अब पूरी क्षमता के साथ विमान उड़ेंगे, जो आज से लागू हो जाएंगे। नागरिक विमानन मंत्रालय के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आज से घरेलू व्यावसायिक उड़ानों में यात्रियों की क्षमता को लेकर लागू पाबंदियां हटा दी जाएंगी। इससे उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता के साथ किया जा सकेगा और इसके साथ ही रियायत के साथ भी सरकार ने यात्रियों से पूरे कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा है। सितंबर से ही सरकार ने घरेलू उड़ानों की जो यात्री क्षमता थी उसको 72.5% से बढ़ाकर 85% कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल ने भी जुलाई में ही आपको बता दें कि कैपेसिटी जो थी उसको 50% से बढ़ाकर 65% किया था। कोरोना की वजह से 23 मार्च 2020 से ही शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में रोक लगाई गई थी, लेकिन मई 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का जो परिचालन था वो हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चुनिंदा देशों की, तो आपको बता दें कि 2020 से ही उड़ानों का परिचालन हो रहा है और हालांकि आज से ही 100% से उड़ानों के संचालन की इजाजत दे दी गई है। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब सुधर रही है। हफ्ते भर में दूसरी बार कोरोना मामलों एक दिन में 15,000 से कम दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं अगर रविवार सुबह की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जो जारी किया गया था उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 14,146 नए कोरोना केस सामने आए थे और 144 कोरोना संक्रमितों की जान भी चली गई थी। 19,738 लोग कोरोना से ठीक हुए थे, यानी कि 5,788 एक्टिव केस कम हो गए थे। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बिगड़ सा गया है। बारिश के चलते बड़ी मौसम की ठंड बढ़ा चुकी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ही मौसम में अचानक से ये बदलाव आया है। दिल्ली एनसीआर में रविवार दोपहर को ही मौसम ने अचानक से करवट ले ली। शहर में पिछले 24 घंटों में 3 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके साथ ही रविवार को कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिसके कई स्थानों पर पानी भर गया है और यातायात की समस्या भी इसके चलते हो रही है और लोगों को मुश्किलों का इसके करके सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि भारी बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है और अधिकतम जो तापमान है वो 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने यह साफ कह दिया है कि न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। वही शाम को 5:30 बजे सापेक्षित आर्द्रता 96% दर्ज की गई है और IMD ने आकाश में बादल छाए रहने और गरज के साथ मध्यम से बारिश होने का भी पूर्वानुमान जता दिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले कई हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जता दिया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये साफ कह दिया है कि सोमवार को आसपास में आने छाए बादल रहेंगे और इसके साथ ही हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का भी अनुमान मौसम विभाग ने जता दिया है।